नमस्ते दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी के बारे में, हॉलीडेज पर अकेले रहने से तंग आकर ये दोनों अजनबी फैसला करते हैं कि हर हॉलीडेज पर एक साथ एंजॉय करेंगे और कभी भी बाबू सोना नहीं करेंगे। पर क्या ऐसा हो सकता है कि लड़का लड़की साथ हो और उनके बीच में कोई अट्रैक्शन या प्यार वाली फीलिंग्स ना आए? आइए जानते हैं आज की इस शानदार मूवी में। आगे बढ़ने से पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो पसंद आए तो कॉमेंट करना मत भूलना। तो चलिए चलते हैं मूवी की ओर। मूवी स्टार्ट होती है और स्लोइन स्मोक करके घर में जाती है। आज क्रिसमस है और वह अकेले ही घर में आई है। सभी लोग उसे बॉयफ्रेंड के लिए बोलने लगते हैं, मगर स्लोइन को इन बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ता। वह अपनी आंट सुसैन से मिलती है, जिन्होंने क्रिसमस के लिए सेंटा क्लॉज बने आदमी को डेट कर लिया। वो हर हॉलीडे पर अलग अलग लोगों को डेट करती है और काम होने के बाद उन्हें छोड़ देती है। इस कलाकारी को वो हॉलीडे का नाम देती है। थोड़ी देर बाद उसका छोटा भाई भी अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। ये सब देखकर स्लोइन की फूक जाती है। दूसरी तरफ जैक्सन भी अपनी गर्लफ्रेंड के घर आया होता है, जहाँ पर वो रात भर मजे करता है और उसके घर वाले सनकी होते हैं, इसलिए वो यहाँ से चला जाता है। अगले दिन जैक्सन और स्लोइन की मुलाकात क्रिसमस के प्रेजेंट को एक्सचेंज करने के लिए कैश काउंटर पर होती है। पहले तो दोनों में नोकझोंक होती है, पर धीरे धीरे बातें होने लगती है। तभी उन्हें वहाँ वही आदमी मिलता है जिसे उसकी आंट हॉलीडे के लिए लाई थी। जैक्सन को हॉलीडे काफ़ी पसंद आता है। जैक्सन भी स्लोइन को हॉलीडे के लिए ऑफर करता है और अपना कार्ड देकर इस बारे में सोचने के लिए कहता है। न्यू ईयर से कुछ दिन पहले स्लोइन की मदर उसके लिए लड़का ढूंढने लगती है। स्लोइन को ये सब अच्छा नहीं लगता और वो जैक्सन के साथ जाने का फैसला करती है। दोनों एक कपल की तरह पार्टी में जाते हैं और खुश होते हैं कि उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तभी उनकी मुलाकात अंत से होती है, जो एक नए लड़के के साथ थी। वो इस चीज़ पर ज़्यादा गौर नहीं करती क्योंकि हर बार वो नए लोगों के साथ हॉलीडे करती रहती है। दोनों दबाकर ड्रिंक करते हैं और साथ में डांस करने लगते हैं, पर डांस करते वक्त स्लोइन की ड्रेस फट जाती है, पर दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। घर जाते वक्त जैक्सन वैलेंटाइन डे के लिए पूछता है, जिस पर स्लोइन कहती है कि अभी भी 2 महीने हैं और कौन कहाँ होगा क्या पता। अब वैलेंटाइन डे आने वाला है पर स्लोइन अभी भी सिंगल है। वो मॉल में कैंडी ले रही होती है, तभी उसकी मुलाकात उसके एक्स बॉयफ्रेंड से होती है, जो उससे भी खूबसूरत और हॉट लड़की को डेट कर रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील करने लगती है। तभी अचानक से जैक्सन आकर सिचुएशन को हैंडल कर लेता है। इस चीज़ के लिए वह स्लोइन से हैंड जॉब लेता है। हॉलीडे के लिए दोनों पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन उनके बीच कोई बाबू सोना वाली फीलिंग्स नहीं आएगी और ना ही बैंग बैंग होगा। जैक्सन अगले हॉलीडे पर स्लोइन के घर जाता है, जहाँ उसकी मदर पड़ोसी फारूक से उसका टाका फिक्स करवाने की कोशिश कर रही होती है, मगर इस बार भी जैक्सन उसे बचा लेता है। दोनों बात करते हैं और एक दूसरे के रिलेशनशिप के बारे में पूछने लगते हैं। स्लोइन जैक्सन की बैंग बैंग वाली बात में इंटरेस्ट ले लेती है। अगले हॉलीडे पर भी वो जैक्सन से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछने लगती है। दोनों दबाकर पीते हैं और इंजॉय करते हैं। अगली सुबह दोनों आधे कपड़े पहनकर उठते हैं। उन्हें खुद नहीं पता होता कि उन्होंने बैंग बैंग किया है या नहीं। फिर अगले हॉलीडे पर पटाखे फोड़ते वक्त जैक्सन की उंगली अलग हो जाती है। दोनों हॉस्पिटल में होते हैं तो जैक्सन का इलाज करने के लिए फारूक वहाँ आता है। फिर स्लोइन जैक्सन को उसके घर छोड़ती है और छोड़ते वक्त दोनों को पहली बार प्यार का एहसास होता है। फिर स्लोइन जैक्सन को अपने भाई की शादी के लिए इन्वाइट करती है, जहाँ जैक्सन और सुसैन और स्लोइन पड़ोसी फारूक के साथ आती है। दोनों को एक दूसरे से जलन हो रही थी पर वो दिखाते नहीं है। फिर डांस स्टार्ट हो जाता है, जहाँ फारूक आंट के साथ अश्लील डांस करने लगता है। ये सब दोनों देख लेते हैं। इसके बाद हॉलोवीन पार्टी में स्लोइन ड्रेस पहन लेती है, जहाँ वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को देखकर घबरा जाती है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड के बच्चा होने वाला था और वो अभी भी सिंगल है। फिर स्लोइन का पेट खराब हो जाता है। जैक्सन जल्दी से उसे घर लाता है और उसकी ड्रेस खोलने लगता है, पर स्लोइन खुद को ज़्यादा देर कंट्रोल नहीं कर पाती और ड्रेस में ही हग लेती है। जैक्सन फिर से नहलाता है और दोनों एक बेड पर लेटकर बातें करने लगते हैं। धीरे धीरे दोनों करीब आ जाते हैं और बैंग बैंग कर लेते हैं। फिर स्लोइन की सिस्टर घर में आती है। जैक्सन घर से जाने लगता है, पर वो उसे रोकने की कोशिश नहीं करती, सिर्फ थैंक्सगिविंग पर मिलने के लिए बोलती है। जैक्सन हॉलीडे पर आता है। दोनों मॉल में जाते हैं और यहाँ जैक्सन अपने दिल की बात कह देता है, पर स्लोइन उसे मना कर देती है। पुरानी बातों को लेकर लड़ने लगती है, जिस पर जैक्सन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। घर आने पर सब जैक्सन के लिए स्लोइन को समझाने की कोशिश करते हैं। फिर उसकी आंट भी उसे समझाती है कि ये सब करके वो आज भी सिंगल है। धीरे धीरे ही सही पर स्लोइन को एहसास हो जाता है। दोनों मॉल में एक दूसरे से मिलते हैं और बात भी करना चाहते हैं, लेकिन नहीं करते।
स्लोन खुद को रोक नहीं पाती और स्टेज पर खड़े होकर जैक्सन को प्रपोज कर देती है। फिर दोनों एक साथ हो जाते हैं और मूवी इसी के साथ यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।